अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक हौलनाक सानिया यहाँ हुआ है हैदराबाद कॉलोनी जेल रोड पे, और ये हमारा आबाई इलाका है। बिल्कुल यहीं हम पैदा हुए बड़े हुए, बचपन से अब तक यही सारे हालात वाक़ात देखे। अभी यहाँ पर एक सीन हुआ है कि हमारा एक प्यारा सा दोस्त है जिसके यहाँ सामने शॉप है, अहमद बेचारा गाड़ियों के पार्ट्स का लॉक्स का काम करता था, अरसा दराज से हमारे ही मोहल्ले में पला बड़ा, और आज वो बैंक से पैसे निकलवा के आ रहा था 9 लाख रुपये, और डकैत उसके वहाँ से पीछे लगे हैं। यहाँ आके बेगैरत के बच्चों ने हो रहा क्राइम सीन, इन बेगैरतों ने यहाँ पर आके उस बेचारे पे फायर मारे हैं, और उसी असना में उसका उनका अपना भी एक डकैत जांबाग हो गया और अहमद बेचारे को सीने पे फायर लगा। वो गाड़ी से उतर के अंदर अपने वालिद साहब के पास गया है और उनके पैरों में एक जवान बच्चे ने अपना दम तोड़ा है। क्या उसके हालात वाक़ात होंगे, क्या उसके अब्बा के दिल पे गुजर रही होगी, ये सोचने वाली बात है। हम कितने और डकैतियाँ सहेंगे, कितने और हमारे साथ ये सीन होंगे, कुछ नहीं, कितने और सीन हम लोग ये सहेंगे, सिर्फ ये सोचना है, ये पूछना है। मेरी आप तमाम लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे एक कराची आइट्स के तौर पे गुजारिश है, डकैत आए आप कोई बड़े कैश का काम ही ना करें कि कैश लेके जा रहे हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट लगाएं, अवॉइड करें कैश ले आने से, 10-15 हज़ार हो आप आराम से दे दें, मोबाइल मांगे आराम से दे दें। 3 दिन पहले जौहर में वाकया हुआ, बंदा किसी काम से झुका है डकैतों के आने पे, इंग्लैंड से आया हुआ लड़का था, उसको सिर्फ इस शुबे में मार दिया कि पिस्टल निकाल रहा है। भाई झुके भी मत, अल्लाह का वास्ता, ऐसे कोई एक्शन भी ना करें जिससे वो बेगैरत ये समझे कि ये पिस्टल निकाल के मुझे मारेगा, अल्लाह का वास्ता है, ऐसे ही दे दें जो देना है यार, जान बचाएं माल फिर बन जाएगा। तो हमारे कराची वालों का कुछ नहीं हो सकता जब तक कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम जानब बिल्कुल गैर जानबदारी से अंजाम नहीं देंगे, जब तक वो मनोमन इस पर अमल नहीं करेंगे कि एक डकैत जब पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त केस बनाया जाए, नरम केस बनाए जाते हैं, उसकी प्रोसीडिंग में 10-15 दिन में वो ज़मानत पे रहा हो जाता है, उसके बाद सिर्फ पेशियां भुगत के फॉर्मेलिटी निपटाता है, वकील को अच्छे पैसे खिलाता है, मज़ीद डकैतियाँ मार के और बाहर आ जाता है। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि भाई जो ये डकैतियाँ करने बेगैरत किस्म के लोग आते हैं, जैसे भी जिस रंगों नस्ल के भी आते हैं, इनके मुंह पे पैसे निकाल के मारे, मोबाइल मारे, अपनी अपनी औलाद को, अपने बहन भाइयों को, सबको ये एजुकेट करें कि जब तक कराची में ये सीन चल रहे हैं अल्लाह का वास्ता है भाई दे दो, जान से बढ़ के कुछ नहीं है, जान है तो जहान है, दोबारा बन जाएगा। हालांकि ये बात हमें नहीं कहनी चाहिए, बहुत दिल दुखता है जब 9 लाख रुपए उससे लेके भी गए, उस जवान बच्चे को मार के भी गए, इन बेगैरत के बच्चों के दिल में थोड़ा सा दर्द नहीं हुआ कि बच्चे ने गाड़ी से उतर के सीने पे फायर लगा हुआ, तड़पता हुआ अपने बाप के पैरों में जाके दम तोड़ा। अशरफ उसके अब्बा का नाम है, अहमद उस बच्चे का नाम है, अशरफ भाई बेचारे कान से लंगड़ाते हैं, माजूर हैं, क्या करेंगे वो, कैसे जिएंगे अपनी बची हुई ज़िंदगी। हम आप सब ये सोच के एक सीन बस शेयर मार के साइड हो जाएंगे, लेकिन ये वाकयात रुकेंगे नहीं, आज इस बच्चे के साथ हुआ, कल ये हम इसके मुंतज़िर हैं भाई, कल ये हमारे साथ होगा, अल्लाह ना करे लेकिन ये कल हमारे साथ होगा, क्योंकि सिर्फ हम मेरा खेल रहे हैं। अगर हम हमारा सोचेंगे ना और इस चीज़ पे फोकस करेंगे और किसी तरह भी कानून नाफिज करने वाले इदारों से इस पे अमल करवाएंगे कि भाई ये डकैत हर हाल में अपने अंजाम को पहुँचे बेगैरत के बच्चे, तो इस पे देखना किस तरह से अच्छे इकदाम हो सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इस पे सिर्फ सख्ती से अमल करवाने वाली बात है। तो भाई यही कहूँगा, अल्लाह का वास्ता जो आ रहा है वो दे दो उसको, जेब में ज़्यादा पैसे ही नहीं रखो, मोबाइल महंगे वाले ना रखो भाई, घरों पे शौक पूरे कर लो, दे सकते हो तो रख के निकलो, दे दो, जान से बढ़ के कुछ नहीं है, कराची वालों कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा, कोई कोर्ट, कोई वो नहीं, कोर्ट जिस तरह से कोर्ट के मामले आते हैं हम आप सब जानते हैं, 15 दिन बाद आप ही अगर पेशी पे नहीं पहुंचोगे डकैत तो वहीं का वहीं खुश रहेगा, आपको ज़रूर उठा के ले जाएंगे कि तू पेशी पे नहीं पहुंचा अपनी, तो केस करने में भी आप जलील होगे, आपको भी टारगेट करेंगे डकैत, और ये चल रहा है भाई कराची का आलमिया, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी न्यूज़ नेटवर्क स्टार न्यूज़ एंड व्यूज़, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी।